नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग? तो भाई हम परसेंटेज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, और ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोग पहले परसेंटेज का बेसिक अच्छे से पढ़े, उसकी क्लासेज मैंने ले रखी हैं, वहां पे मैंने परसेंटेज के बहुत से कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए आप पहले किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करें। देखो, अर्थमेटिक सिर्फ लैंग्वेज का खेल होता है, क्वेश्चंस में कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं लगती हैं। हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ के आप लोग चलिए। अगर आप लोगों ने उसका लैंग्वेज अच्छे से समझ लिया, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े, बस चीजों को समझने की कोशिश करें। तो देखना जरा, आप लोगों के सामने एक आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कि सुनील वाज टू गेट ए 50% हाइक इन हिज पे, बट द कंप्यूटर ऑपरेटर रॉन्गली टाइप द फिगर एज 80%। यानी ये क्या बोल रहा है कि सुनील को अपने वेतन में 50% तक की बढ़ोतरी मिलती है, यानी उसका जो वेतन है वो 50% इंक्रीज हो जाता है। लेकिन गलती से क्या होता है वो देखना, कंप्यूटर जो ऑपरेटर है ना, वो गलती से ये आंकड़ा 80% टाइप कर देता है। मतलब जैसे मान लीजिए उसकी पहले सैलरी 100 थी, तो 50 बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई, वो 150 हो गई। लेकिन जो ऑपरेटर था ना, उसने कितना कर दिया भाई, उसको उसने 80 बढ़ा दिया, मतलब उसने उसकी सैलरी 180 कर दी। संगठन तो गलती का एहसास जो है वो 3 महीने के बाद में होता है, यानी उनको 3 महीने बाद में इसका पता लगता है कि इनकी सैलरी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। ये पिछले 3 महीनों में से उसे दिए गए अतिरिक्त भुगतान को 4थे महीने से घटा देते हैं। मतलब 4थे महीने में जो इसकी सैलरी आएगी ना, उसमें से क्या करते हैं, तो पहले इन्होंने 3 महीने में ज्यादा दिया है ना, उसको इन्होंने घटा दिया, मतलब कम कर दिया। तो अब कह रहा है कि 4थे महीने में उसका सही नया वेतन कितना प्रतिशत मिलेगा, यानी कि उसको जो 4थे महीने में वेतन मिलेगा ना, उसको वो सही वेतन था ना जिसको मिलना चाहिए था, उसका कितना प्रतिशत वेतन मिलेगा। यानी इसको एक्चुअली मिलना कितना चाहिए था, 100 था, 85 तो बड़ा था, यानी 150 मिलना चाहिए था। तो उस 150 का कितना प्रतिशत इस 4थे महीने में मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत आसान सा है, बस आप देखो मैं क्वेश्चन को यहां पे लिखता हूं, 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखना भाई, 50% का मतलब क्या होता है यहाँ पे, 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। 50% का मतलब होता है 1/2, और यहाँ पे 80% का मतलब क्या होता है भाई, 80% का मतलब होता है 4/5, ठीक है। यानी ये क्या बोल रहा है कि एक बार इसने जो है इसकी सैलरी में इंक्रीज 50% का हुआ, लेकिन गलती से इसने 80% इंक्रीज कर दिया। 50% का मतलब पहले अगर 2 था ना, तो वो कितना हो गया, एक और बढ़ गया उसमें, और ये 80% मतलब पहले 5 था, तो उसमें 4 और बढ़ जाएगा। तो मैं जो ओरिजिनल वैल्यू होगी ना, उसको बराबर कर दूंगा। देखो यहाँ पे तो 2 है, और यहाँ पे कितना है, 5 है। जैसे मान लो मैंने 100 लिया होता, तो 100 से कितना हो जाता है 150, और एक बार 180 100 से, तो 100 बराबर था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको बराबर कर देता हूँ, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको किससे, 2 से। अब देखो पहले यहाँ पे 10 था, और यहाँ 5 से किया, तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 5 से। यहाँ पे 2 से किया, तो यहाँ भी किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो अब देखना जरा, यहाँ पे ये तो हो गया बिफोर, और ये आ गया इसका आफ्टर, ठीक है। अब देखना, यानी पहले अगर इसका वेतन, ये ओरिजिनल था यहाँ पे, ये ओरिजिनल मतलब इतना इन्होंने बढ़ाना चाहिए था, कि पहले अगर वेतन 10 था, तो उसको कर कितना देना था, 5 रुपए उसमें बढ़ा देना था, यानी 50% इंक्रीज हो जाता, मतलब कितना हो जाता, 15 हो जाता। ये तो कंडीशन फर्स्ट थी, जो कि इसकी एक्चुअल में होनी चाहिए थी। लेकिन कंडीशन सेकंड यहां पे हुआ क्या, कि बढ़ा कितना 80%, यानी देखो यहां से 10 से 8 बढ़ गया, तो कितना हो गया भाई, पहले 10 था और बढ़कर कितना हो गया, 18 हो गया। ये बात आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना क्वेश्चन को, कि अब इसे ना एक्चुअल में इसको मिलना कितना चाहिए, 15 रुपए इसको मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा 15, मिल कितना रहा भाई, 18। और 3 महीनों तक लगातार इसको कितने रुपए मिले भाई, 18 18 18, यानी 3 मंथ में। अब यहां पे देखना क्वेश्चन को, कि 3 मंथ में इसको मिल कितने गए, वो थोड़ा सा देखो आप समझो, कि 3 मंथ्स में इसने कितना टोटल पेमेंट के लिए, 18 × 3 कितना होता है, 54, ठीक है। लेकिन 54 इसको मिल गए, मिलने कितने चाहिए थे भाई, मिलने तो 1 महीने के 15 ही चाहिए थे, यानी 15 × 3 कितना होता है, 45, यानी मिलने 45 चाहिए थे। तो मुझे बताओ इसको कितने ज्यादा मिल गए, तो आप क्या बोलेंगे, 9 रुपए इसको ज्यादा मिल गए। 3 महीने में इसको 9 रुपए ज्यादा मिल गए। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, कि 3 महीने में हर महीने 18 18 रुपए मिले, यानी 54 रुपए मिल गए। मिलने कितने चाहिए थे, 15, यानी 9 रुपए इसको ज्यादा मिल गए। अब मुझे बताओ कि जो इसका 4th मंथ आएगा, यहां पे थोड़ा सा समझना, कि जब इसका 4th मंथ आएगा, तो उसमें इसकी जो सैलरी होगी वो कितने रुपए होगी भाई, मुझे इतना बताओ। मिलने तो कितनी चाहिए, 15 रुपए, लेकिन इसको 9 रुपए पहले से दे चुके हैं, तो मुझे बताओ 15 में से 9 रुपए कब मिलेंगे। तो जैसे इसको 9 रुपए कब मिलेंगे, तो 4th मंथ की इसकी सैलरी कितनी होगी भाई, 6 रुपए। बोलो होगी कि नहीं होगी, ये बात समझ पाए मैंने क्या कहा।
मैंने बोला कि यहाँ पे इसकी जो फोर्थ मंथ की सैलरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 6 रुपीज आ जाएगी। तो अब समझना, ये कह रहा कि जो इसको सही वेतन था ना, देखो उसका सही वेतन था, उसका कितना प्रतिशत मिलेगा, यानी ओरिजिनल में उसको मिलने कितने चाहिए थे, 15 रुपए। देखो यहाँ पे इसका सही वेतन ये 15 रुपए है, ध्यान से समझना कि इसको 15 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन मिला कितना भाई, सही रुपया, तो कितना प्रतिशत मिल गया। तो आप क्या बोलेंगे, इसको 6 रुपए मिले, तो यही तो कहा है कि सही वेतन का कितना प्रतिशत मिला, मिले 6 रुपए, सही वेतन कितना था, 15 है, तो इसका कितना प्रतिशत, मैंने बोला था ना जिससे कंपैरिजन करते हैं वो अपॉन में होता है, तो 15 नीचे आएगा, परसेंट में चाहे तो इनटू 100, ये 3 से कट जाएगा 2 बार, ये 5 बार कट गया, और ये 5 से कितने बार हो जाएगा 20, तो कितना आ गया भाई, 40% उसको वेतन मिला है, यानी चौथे महीने में उसकी ओरिजिनल सैलरी का 40% वेतन ही उसे मिलेगा, क्योंकि बाकी वो पहले उसे दे चुके हैं। बात समझ आई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, आप चीजों को समझते चले जाइए, ठीक है। मैंने किया क्या, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 50% 1/2, 80% 4/5 मैंने लिख लिया, तो ओरिजिनल वेतन मैंने दोनों बराबर कर लिए, यहाँ पे भी 10 कर लिया, यहाँ पे भी मैंने 10 कर लिया, ये मैंने दोनों ओरिजिनल वेतन इक्वल कर लिए। अब मैंने देखा कि यहाँ से 10 से 50% इसका इंक्रीज होना चाहिए था, यानी 10 से 15, और कर कितना दिया, 10 से 18 कर दिया। अब कह रहा है कि 3 महीने तक वेतन मिलता रहा, यानी हर महीने 18 18 रुपए मिले, तो 3 मंथ्स में कितने मिल जाएंगे भाई, 54 रुपए। लेकिन मिलने कितने चाहिए थे, तो आप कहेंगे 3 महीने के 45 रुपए, कितने ज्यादा मिल गए, तो आप कहेंगे भाई इसमें इतने 9 रुपए ज्यादा मिल गए। तो जैसे ही 9 रुपए ज्यादा मिले ना, तो जाहिर सी बात है चौथा महीना जब आएगा तो उसको 9 रुपए कम मिलेंगे, तो इसको मिलने कितने चाहिए चौथे महीने में, ओरिजिनल में 15, लेकिन मिले कितने, सिर्फ 6 रुपए, 9 कम मिल गए। इसने कहा कि जो मिलना चाहिए ना उससे उसका कितना प्रतिशत मिला, तो मिलना तो 15 चाहिए था, मिलना तो 15 चाहिए था, मिला कितना 6, तो इसका कितना प्रतिशत मिला इंटू 100, यानी कितना आ गया, 40% आपका आंसर आ गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, समझते जाइए क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है भाई, द पॉपुलेशन इन नॉर्मल, सॉरी पोल्यूशन, द पोल्यूशन इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर इज लेस देन 0.01%, यानी कि जो वातावरण में प्रदूषण होता है ना, वो नॉर्मल जो होता है वो 0.01% होता है, ठीक है, इसके आसपास होता है, तो से कम है, मतलब इससे भी कम होता है। एक कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण प्रदूषण बढ़कर 20% हो जाता है, यानी होना तो इतना चाहिए था, लेकिन वो जो गैस है वो लीकेज हो गई, इसके कारण 20% इसका क्या होगा भाई, पोल्यूशन बढ़ गया। और अगर हर दिन 80% प्रदूषण होता है वो बेअसर हो जाता है, यानी प्रत्येक दिन 80% प्रदूषण है वो खराब होता चला, मतलब वापस सही होता चला जाता है, तो कितने दिनों में वातावरण है वो सामान्य हो जाएगा। तो अब समझना क्वेश्चन को, मुझे एक बात बताओ भाई, कितने दिनों में मतलब सामान्य हो जाएगा, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले इसे देखना, 0.01% से कम है, ठीक है, इससे कम इसके पास में पोल्यूशन होना चाहिए था। तो देखो आपके पास में इतना पोल्यूशन एवरेज रहता है 0.0, मान लिया मैंने कि टोटल वातावरण, मान लीजिए कोई भी है, आप हवा मान सकते हैं, तो मान लीजिए 100 हवा है, तो उसमें से पोल्यूशन जो है वो वाली हवा कितने रहती है, 0.01, 100 में से भाई इतना तो यही रहेगा। अब कह रहा है कि इंक्रीज होकर अब जो नया आ गया ना, वो कितना आ गया भाई, 20%, अब की बार पोल्यूशन 100 में से 20 हो गया, और अब मान लो टोटल हवा कितनी थी भाई, टोटल एयर यहाँ पे थी 100, तो उसमें से पहले तो कितना था भाई, 0.01 पोल्यूशन था, और अब कितना हो गया भाई, अब पोल्यूशन 20 हो गया। अब ये 20 है ना, इसमें ये डिक्रीज होते होते कितने दिनों में वापस यहाँ पे पहुंच जाएगा, यानी आपको इसको कहाँ पे लेकर आना है, इसकी ओरिजिनल कंडीशन में लेके आना है, ये क्वेश्चन ने आप लोगों को बोला है। तो मैं क्या कहूंगा कि फिलहाल हमारे पास जो पोल्यूशन है वो 20 है, तो मैंने क्या किया, इसको कम करना स्टार्ट किया, तो मैं क्या करूंगा, 20 है भाई, ये हर दिन कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो आपको पता है कि हर दिन 80% डिक्रीज हो जाता है, 80% का मतलब क्या होता है, 4/5, यानी 5 था उसमें से 4 डिक्रीज हो गया, मतलब बचेगा सिर्फ 1, तो आप क्या करेंगे, इस 20 से 80% डिक्रीज हो जाता है, और 80% का मतलब मुझे पता है कि कितना है अभी, इसका मतलब 80% का मतलब है यहाँ पे 1/5, 80% का मतलब कितना है अभी बताना, तो आपको पता है कि 80% का मतलब कितना है यहाँ पे, 1/5, तो मैं क्या करूंगा कि ये, सॉरी 4/5, 1/5 नहीं, 4/5, सॉरी 4/5। तो अब मुझे बताओ 80% डिक्रीज हो गया, यानी 5 में से 4 तो खत्म हो गया, तो बचा कितना भी, 1, यानी अभी भी 20 का इतना पार्ट बचा हुआ है, ये पहला दिन था। अब अगले दिन फिर से इसका 80% खत्म हो जाएगा, यानी 5 में से 4 खत्म, मतलब बचेगा कितना, इतना, अगले दिन फिर से क्या होगा भाई, 5 में से 1 खत्म, यानी इतना बचेगा, ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा, ये जितने भी दिन रहेंगे आगे, देखो ऐसे फिर से इसमें कटेगा 5, और ऐसे आगे चलता
चला जाएगा जब तक कि ये इस कंडीशन पे नहीं आ जाता। तो कह रहा है कि कितने दिनों में ये वातावरण है वो सामान्य हो जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, बस इसका ये इतना पार्ट लेकर आना है, 0.01 लेके आना है। तो मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मैंने इस 5 से कैंसिल कर दिया, ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया अभी बताना, तो आप बोलेंगे कि 4 टाइम्स। अब देखो मेरे पास वैल्यू जो निकल कर आई वो कितने आई, 4 अपॉन ये कितना आ गया, 5 × 5 × 5। अब हमें नहीं पता कि ये कितना आ रहा है, आगे कितनी वैल्यू आएगी, लेकिन मैं करूंगा क्या, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आपको चाहिए कितना भी 0.01 निकाल के लाना है, मतलब ये आगे अगर और जरूरत पड़ी तो हम और फिर से 1/5 कर लेंगे, क्योंकि इतना डिक्रीज कर देंगे। तो मुझे करना क्या है, मैं यहां से देखूंगा कि ये 4 है, इसको अगर 125 से डिवाइड करता हूं तो मुझे एक बात बताना, मेरे पास क्या इस तरीके की कोई वैल्यू निकल कर आएगी। तो मैंने ऐसे देखा कि अगर ऐसी वैल्यू निकल कर आती है, 4 को 125 से डिवाइड करते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, पहले तो 4 में तो 125 से डिवाइड नहीं होगा, तो सबसे पहले तो क्या लग गया भाई, पॉइंट लग गया यहाँ पे, सबसे पहले लग गया पॉइंट, 0 पॉइंट। अब देखो मैंने क्या किया, अब एक जीरो लगाया भाई, क्या 40 125 से डिवाइड होता है? आप कहेंगे भाई 40 तो 125 से डिवाइड नहीं होता, यानी डिवाइड नहीं होता तो जब देखो पहली बार तो 4 के लिए पॉइंट लगा, डिवाइड नहीं होता तो फिर से क्या लग जाएगा, 0.0। अब भाई इसके एक जीरो और लगा देंगे तो भाई अब एक जीरो, अब 400 क्या 125 से डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल 400 125 से डिवाइड होता है, यानी कि ये डिवाइड होगा तो क्या बनेगा भाई, देखो मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये 25 से 4 बार कैंसिल हो गया, मतलब 16/5 कितना बन गया, 5, यानी कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 16/5 करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 3, और बाद में क्या आ जाएगा आगे जो भी है 2 पॉइंट वो आता रहेगा, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मुझे एक बात बताओ, आपको जो है यहाँ पे पोल्यूशन है वो नॉर्मल कितना रहता है, 0.01, यानी ये 4 दिन, 1, 2, 3, 4, 4 दिनों में इतना सही हो गया, मतलब अब इतना ही पोल्यूशन बचा है 4 दिन में, यानी जब 5वां दिन आएगा तो वो क्या हो जाएगा सही। देखो कैसे, अब मैंने क्या किया, अगर मान लीजिए इसको ऐसा नहीं करता, मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, देखें आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, अगर मान लीजिए मैं अगला दिन और ले लेता, अगर अगला 5वां दिन और ले लेता तो देखो होता क्या, इन 4 दिनों में मेरे पास कितनी वैल्यू आई थी, 0.032। अगर मैं एक और लेता तो यहां पे फिर से 5 लगाता। अब आप क्या कहते हैं कि 0.0 यहां तक, अब आपके पास 4 था सिर्फ, देखो इसको आप मिटा सकते हो, आपके पास सिर्फ 4 था, उसको डिवाइड करेंगे भाई, इस नंबर से डिवाइड नहीं हुआ पॉइंट लगा दिया, फिर से ये 625 है, 440 भी डिवाइड नहीं हुआ तो फिर से जीरो लगा दिया, फिर 400 भी डिवाइड नहीं हुआ तो फिर से जीरो लगा दिया, यानी 0.00। अब आगे यहां पे जाके कुछ नंबर आएगा, यानी 5वें दिन में है ना, हमें तो सिर्फ यही तो चाहिए था 0.01, तो 5वें दिन में क्या हो जाएगा भाई, ये वातावरण है वो सही हो जाएगा 5वें दिन तक। तो हमें क्या पूछा था कि कितने दिन में सही हो जाएगा, कितने हो गए भाई, 4 दिनों तक तो इतना आया था मैंने अभी आपको बता दिया, और अगला 5वें दिन में सही हो जाएगा, यानी कितने दिनों में सही हो जाएगा, 5 डेज में इसका आंसर आ जाएगा। 4 दिनों में सही नहीं हुआ, ध्यान रखना 4 दिनों में 0.03 तक ही आया था, यानी 5वें दिन जाकर सही होगा। तो इसने पूछा कि कितने दिनों में सही हो जाएगा, यानी 5 दिनों में, ठीक है, चाहे 5वें दिन का कितना भी पार्ट लगे, लेकिन इसने कहा कि कितने दिनों में, तो 5 दिनों में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका, वातावरण है वो सामान्य हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस चीजों को आपको समझने की जरूरत थी। देखो मैं फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया, इसने कह रहा है कि नॉर्मल जो यहाँ पे है ना एनवायरनमेंट, उसमें 0.01% से कम वातावरण रहता है, वो मतलब प्रदूषण रहता है, पोल्यूशन। तो मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने टोटल एयर मान ली 100 है, तो उसमें से इतना पोल्यूशन है 0.01, 100 मैंने मान लिया। अब कह रहा है इससे कोई गैस लीकेज हो गई, उससे इसमें पोल्यूशन कितना हो गया अभी, 20%, यानी 100 का 20 हो गया, टोटल तो मेरा 100 था। अब ये 20 हो गया ना, ये कह रहा है हर दिन इसका 80% डिक्रीज हो जाता है, तो बताओ कितने दिनों में वापस ये नॉर्मल हो जाएगा, इसका पोल्यूशन नॉर्मल हो जाएगा। तो 20 से 80%, यानी 5 से 4 गायब हो गया, 1 बचा, फिर 1/2, ये मैंने 4 दिन तक मैंने किया। तो 4 दिन तक जब किया तो मैंने आपको वैल्यू निकाल के दिखाई थी कितना है, 0.03 और 2, ऐसे वैल्यू निकल कर आई थी। तो ये जो आए ना, मतलब हमें इतना चाहिए 4 दिनों में इतना हो जाएगा, यानी 5वां दिन आएगा तो 0.0 और 1 और 0, यानी 5वें दिन के कहीं 5वां दिन बीच में ही ये क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल है वो आपका जो प्रदूषण है वो नॉर्मल आ जाएगा 5वें दिन के बीच में। तो इसने पूछा था कितने दिनों में सही हो जाएगा, तो 4 दिन तो वो थे और 1 दिन उसमें एक और ऐड हो गया, क्योंकि 5वां दिन का भी तो कुछ हिस्सा लगा है ना, तो 5 दिन में ये जो पॉल्यूशन था वो सही हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को। चलिए अभी इस क्वेश्चन पे आइए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझें और बाद में इस क्वेश्चन का आंसर दें, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या लिखा है कि कक्षा 10 में
अंग्रेजी गणित विज्ञान और हिंदी में सुनील द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार है, यानी जो दिए गए हैं आप लोगों को, अधिकतम जो एक विषय उसमें 100 नंबर आ सकते हैं भाई, एक विषय में 100 नंबर आ सकते हैं मैक्सिमम। तो क्या बोला है कि गणित में प्राप्त अंक इंग्लिश में प्राप्त अंक से 1.5 गुना है, यानी इसका 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है वो आपको पता ही है, यानी इसका अगर 100 है तो उसका 150 है, ठीक है, अगर उसका 1 है तो उसका 1.5 है। इन 4 विषयों में सुनील को 64% मिला, यानी 64% एवरेज मिला, 4 विषयों को मिलाकर इसका कितना मिला है इसको, 64% इसका एवरेज मिला है। चलिए, सुनील को विज्ञान और हिंदी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम अंक मिले, यानी विज्ञान में तो मैक्सिमम मिले और हिंदी में जो है वो क्या मिले हैं, मिनिमम मिले। उनके बीच जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 48 अंक का है डिफरेंस, उसके बीच में 48 है। तो कह रहा है कि अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का 50% अंतिम स्कोर में जोड़ने पर, अंतिम यानी जितने इसके टोटल नंबर आए थे ना उनमें, अगर इंग्लिश का 50% अगर मैं ऐड कर दूं ना, इंग्लिश का 50%, तो कह रहा है कि वो जो इसके टोटल मार्क्स है ना वो कितने हो जाते हैं, 70%। यानी पहले कितने थे भाई, 64%, अब कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 70%, ये इसने कह रखा है। यदि केवल गणित और विज्ञान के अंकों की गणना की जाती, मतलब इन दो ही सब्जेक्ट में, अगर ये कहता कि बताओ इन दोनों सब्जेक्ट में इसके कितने परसेंट मिले, है ना, वो है, तो होता है ना कि पीसीएम में कितने परसेंट आए, तो कह रहा है कि गणित और विज्ञान की अगर ये यहाँ पे इसका कंपैरिजन करता तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या होता। ठीक है, ये इस क्वेश्चन ने पूछा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पे ध्यान दें। सबसे पहले मैं बात लिख लेता हूँ कि अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का 1.5 गुना है गणित में, तो ये हो गया अभी मैथ्स और ये हो गया इसका इंग्लिश, ये दो चीजें होगी, मैथ्स और इंग्लिश। यानी अगर यहाँ पे 1.5, 1.5 गुना का मतलब होता है 1.5, और 1.5 का मतलब होता है 3/2, मतलब इंग्लिश में अगर 2 है तो इसमें एक ज्यादा, यानी कितना हो गया अभी, 3 हो गया, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये इसने साफ साफ लिख रखा है। आगे देखो, देखें इसने बोला है कि इसको टोटल 64% अंक मिला है, यानी मैं आपसे बात करूं कि इसके टोटल की, ठीक है, टोटल तो बोल रहा है कि इसको 64 मिला है, यानी जो नंबर हो गए वो कितने हो गए भी, 400 हो गए, 400 का 64 मिला है, तो आप मुझे बताना इसे टोटल कितने अंक मिले, तो 400 का 64 कितना मिल गया, 64 × 4, यानी इसको टोटल जो अंक मिले वो कितने मिल गए भाई, 256, यानी 256 अंक इसको क्या है भाई, मिल गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहां तक होनी नहीं चाहिए कि इसको 256 अंक मिल गए हैं। अब देखना अगली बात, आगे क्या बोल रहा है कि इसके जो विज्ञान यानी साइंस और यहाँ पे हिंदी जो है ना उनमें, कह रहा है कि हिंदी में तो मिनिमम मान लीजिए एक्स आए, तो इसमें कितने आ जाएंगे भाई, मैक्सिमम यानी एक्स प्लस कितने आ गए भाई, 48, साइंस में एक्स प्लस 48 आ गए, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इतनी इंफॉर्मेशन इसने दे रखी है। अब कह रहा है कि अगर इंग्लिश का 50% मैं इसके अंतिम स्कोर में जोड़ देता हूं ना, तो ये कितना हो जाता है भाई, 70% हो जाता है, यानी 400 चारों विषयों में इसके अगर मैं इंग्लिश का 50% इसमें जोड़ दूं ना, तो चारों विषयों में मिलाकर इससे जो परसेंट मिलेगा ना वो 70% मिल जाएगा। यानी आप मुझे बताओ अगर मैं इंग्लिश का जोड़ देता तो इसका टोटल कितना हो जाता, 70%, यानी 400 का 70% कितना आ गया भाई, 4 × 70, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 4 × 70%, यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 280। तो आप मुझे बताना इंग्लिश का इसने 50% जोड़ा है, तो 50% ऑफ इंग्लिश ये बताना जरा कितना है, तो आप क्या बोलेंगे इसमें से ये घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा भाई, 24 मेरे पास में निकल कर आएगा, यानी इंग्लिश के जो अंक है ना उसका 50% 24 है, तो मुझे बताना 24 कैसे हुआ। इसका रीजन देखो, अगर इंग्लिश का नहीं जोड़ता है तो टोटल 256 अंक आ रहे हैं इसके, अगर इंग्लिश का 50% जोड़ देता है तो कितने आ रहे हैं, 280। तो आप मुझे बताना कि इंग्लिश में इसके कितने नंबर आए हैं भाई, इंग्लिश का 50% कितना है, 24, यानी इंग्लिश में टोटल कितने आ गए वो बताओ, तो इंग्लिश में टोटल कितने आ गए, 50% 24, तो टोटल कितने आ गए भाई, 48, तो 2 के बराबर 48, तो 3 के बराबर कितना बनेगा, 72, यानी मैथ्स में जो मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे भाई इसके, 72, और यहाँ पे जो इंग्लिश में मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे भाई, 48। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये सारे मार्क्स अगर मैं चारों के जोड़ लेता हूं तो वो जोड़ने के बाद टोटल कितने आते हैं, तो आप देखेंगे कि भाई इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये कितना बन रहा है अभी बताना, तो ये कितना होगा, 7 × 4 = 11 है, और ये कितना होगा, 20। ठीक है, 120 नंबर यहां से हो गए, तो मैं कहूं कि अगर 120 यहां से हो गए तो सभी का टोटल मिलाऊं तो ये बताना कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि एक्स प्लस 48 और प्लस एक्स, ये और एड हो जाए और प्लस 128 हो जाए, तो सभी मिलाकर कितने हो रहे थे,
256 हो रहे थे, तो कितने हो रहे थे भाई सारे 256। तो यहां हाँ से ये जो 2x की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितने आएगी, 120 यहां से चला जाएगा। तो जैसे इसमें से 120 निकलेगा तो आप मुझे बताना कितनी वैल्यू बनेगी भाई यहां से 120। आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए भाई, कैलकुलेशन कर लीजिएगा ठीक है। तो 136 और उसमें से मुझे 48 निकाल लेना है, तो कितना बनेगा 8, और यहां से कितना आएगा भाई 8। तो यहां से x की वैल्यू आ गई वो कितने आ गई भाई 44x की वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगी। यानी हिंदी में इसके 44 नंबर आए, तो यहां पे कितने आ गए भाई 44, इसमें ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही 44 ऐड करेंगे तो 92 इसके साइंस में बनेंगे। अब पूछा कि मुझे बताओ अगर मैं सिर्फ मैथ्स और साइंस के लेता तो उसके कितने परसेंट बनते, तो मैथ्स और साइंस का अगर दोनों में जोड़ देता हूं ना तो वो कितना आता है भाई, वो आ जाता है 4, और ये कितना आ जाता है, ये बन जाएगा 16। 164 नंबर इसके आ जाते हैं अगर मैथ्स और साइंस दोनों जोड़ देता किस में से भाई। तो आप बोलेंगे टोटल दोनों के मार्क्स से 200 अगर परसेंट चाहिए तो इनटू 100, यानी कितना आ जाएगा भाई 82% इसके निकल कर आते। ये क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को इस ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उनके लिए टाइम जरूर मिलता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो होते हैं वो मतलब ऐसा होता है एग्जाम में, कभी भी पेपर में ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो, और आजकल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज्यादा आ रहे हैं। तो आप इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें जिनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो और आप लोगों को सोचने का थोड़ा मौका मिले ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को देखा और आंसर बता दिया, थोड़ा सोचने का टाइम लगे, इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। देखो क्वेश्चन बहुत आसान था, सिर्फ लैंग्वेज का खेल था। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखना भाई, 40 छात्रों की एक कक्षा में 75% गा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 75% का मतलब होता है 3/4, 20% का मतलब होता है 1/5 ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है भाई, 20% का मतलब होता है 1/5। अब देखो 40 छात्रों की कक्षा में से 75% गा सकते हैं, तो मतलब ये जो सिंगर है ना जो सिंगिंग कर सकते हैं वो कितने हैं अभी 75, यानी 40 का 75 कितना होता है अभी 30। और इसमें क्या बोल रहा है कि जो 20% है वो डांस नहीं कर सकते, तो 20% है वो डांस नहीं कर सकते, यानी 80% डांस कर सकते हैं। तो 80% कितना होगा भाई, 40 का 80% यानी 4/5, तो कितना आ जाएगा भाई, ये डांस वाले कितने हो गए बताना, ये हो गए यहाँ पे 32, यानी 32 है वो डांस नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि उन छात्रों की मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन नेदर सिंग और नॉट डांस, तो कह रहा है कि वो मैक्सिमम स्टूडेंट बताइए जो कि ना तो गा सकते हैं और ना ही डांस कर सकते हैं, वो मैक्सिमम बताना है जो दोनों नहीं कर सकते। आप मुझे एक बात बताओ भाई, इसमें डांस करने वाले कितने हैं 32 और गाने वाले कितने हैं भाई, तो वो है 30। आपसे मैं ऐसे कहूं कि इसको वो चाहिए, अधिकतम चाहिए, मतलब मैक्सिमम चाहिए जो ना तो डांस कर सकते हैं और ना ही वो गा सकते हैं, वो इसको मैक्सिमम चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये 32 है, 40 में से 32 तो डांस कर सकते हैं और यहां पे 30 इसको क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि 32 डांस कर सकते हैं, यानी 8 बचे कितने भाई, 8, मतलब वो 8 है जो डांस नहीं करते ठीक है। तो इसको वो चाहिए जो नहीं करते हैं, वो मैक्सिमम चाहिए। तो मैं कहूंगा कि मान लीजिए कि 8 मैक्सिमम है, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं कहता हूं कि 8 वो जो ना तो गा सकते हैं ना डांस कर सकते हैं, यानी ये जो 30 है ना, ये 30 डांस भी तो कर सकते हैं और गा भी सकते हैं, समझ रहे हैं? मैंने क्या किया, इसको मैक्सिमम ले लिया, यानी यहां पे जो 32 थे ना जो कि डांस कर सकते हैं, इसका मतलब 8 बच गए वो डांस नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि ये डांस नहीं कर सकते ना, ये गा भी नहीं सकते, क्योंकि इसने मैक्सिमम मांगा था, देखो यहाँ पे अधिकतम लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि 8 है ना, ये गा भी नहीं सकते, यानी जो 30 है ना यही इसमें ही शामिल है, डांस वाले में ही शामिल है 30 ठीक है, और अकेले 2 ऐसे हैं जो कि सिर्फ डांस कर सकते हैं, ये बात समझो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 ऐसे स्टूडेंट है मैक्सिमम जो कि ना तो गा सकते हैं और ना ही डांस कर सकते हैं ठीक है। चलिए भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। तो एक ये क्वेश्चन देखना, ये क्या कह रहा है कि हाल ही में इलाके में शादीशुदा व्यक्तियों की संख्या के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए सीकर नामक गया था, इलाके की आबादी इतनी है, और ये कह रहा है कि इनमें से पुरुष है बाकी महिलाएं हैं, यदि 40% पुरुषों की शादी हो जाती है तो विवाहित, देखो इसमें ऐसा सीन होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा नहीं है कि एक जो मैन है उसने 2 वुमेन से शादी करी है, या फिर एक मतलब जो भी आप कह सकते हैं कि वुमेन ने 2 मैन से शादी करी है, ऐसा कोई सीन नहीं होता है इसमें ठीक है। और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि यहाँ पे सिर्फ पुरुष और महिलाएं हैं, यानी बच्चे वगैरह नहीं है यहाँ पे, वो इसने काउंट नहीं किया है ठीक है।
तो कह रहा है कि इलाके की आबादी 3200 है, 11/18 पुरुष है, तो मैं कहता हूँ भी ये मेल है ठीक है, और ये फीमेल है, तो मेल कितने भी 18 4 72 और कितना हो गया 4400, यहाँ पे कितने हो गए भी मेल हो गए, तो बताना जरा वो कितने बने, तो आप क्या बोलेंगे फीमेल्स रह गए 2800, बचे हुए फीमेल्स रह गए, 4400 मेल है और ये कितने हो गए 2800 फीमेल्स हो गए। अब देखो इसने कहा कि पुरुषों का 40% की शादी हो जाती है, यानी उनमें से ही महिलाओं के साथ में इसकी शादी हो रखी है, कह रहा है तो इसका 40% कितना होता है, तो इसका जो 40% होता है ना वो होता है 40, और ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 6 और 16 और 1760, यानी ये है जो मेरिड है, ये वो पुरुष है जो मेरिड है, इसका मतलब 1760 पुरुष मेरिड है, तो ये किसके साथ में मेरिड है भाई, महिलाओं के साथ में मेरिड है, 1760 की महिलाएं कितनी थी भाई 2800, उसमें से 1760 मेरिड है, तो कह रहा है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताओ, महिलाओं का प्रतिशत तो 1760 विवाहित है, किन में से टोटल 2800 में से, अगर परसेंट से है तो क्या कर दो इंटू 100 कर दो, ये आपका कितना आ जाएगा भाई, इतना परसेंट जो है महिलाएं वो विवाहित है, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, टोटल 4400 है उसमें से 40% है वो विवाहित है, तो मैंने 4400 का 40% निकाला, 1760 विवाहित है, तो 1760 मेल विवाहित है, इसका मतलब 1760 फीमेल भी है, तो फीमेल है वो 2800 में से, तो परसेंट आप आराम से निकाल सकते हैं ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखना, एक खाद्य जो भी दे रखा है इकाई में सीकर निगम में जामुन की ताजा खेप में 1 किलोग्राम जामुन था, यानी कोई जामुन था जो कि 1 kg था, उन्होंने देखा विश्लेषण के बाद इसमें 99% पानी था, यानी उनमें जब वो ताजे थे तो उनमें 99% पानी था, यानी 1% जो था वो पल्प था, 15 दिनों बाद उसी लोट में जामुन के सैंपल में 98% पानी पाया गया, यानी 1% पानी गायब हो गया जामुन में ठीक है, पहले 99% था अब सिर्फ 1% पानी बचा है, तो उस समय वजन क्या होगा, यानी पहले 1 kg था तो बताओ अब वजन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस मैंने हालांकि करवा रखे हैं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ये तो आ गया भाई आपकी फर्स्ट कंडीशन और ये आ गई सेकेंड कंडीशन ठीक है, और ये तो आ गया पल्प और ये आ गया भाई आप लोगों का वाटर, पल्प और वाटर दोनों मिलकर ही तो टोटल बनता है ना, तो कह रहा है कि पहले 99% इसमें पानी था, यानी कि पल्प 1 था और 99% क्या हो गया अभी पानी हो गया, ये पहले की कंडीशन है, सेकंड बार क्या बोल रहा है कि 98% इसमें क्या आ गया अभी, सेकंड बार कह रहा है कि 98% इसमें आ गया ये पानी, तो बताओ यहाँ पे पल्प कितना रह गया 2 और ये कितना रह गया अभी 98, यहाँ पे पानी रह गया, सही बोलने लग रहा हूं। अब थोड़ा सा समझो भाई आप लोग, जब भी कोई भी ताजा चीजें होते हैं ना या ताजा फल होते हैं उसमें से अगर पानी उड़ जाता है ना तो पानी तो गायब हो जाता है लेकिन उसका जो पल्प जो गुद्दा होता है ना वो कभी भी गायब नहीं होता, यानी वो जितना पहले था उतना ही आज रहेगा, जैसे मान लीजिए एक पानी और नमक का मिश्रण है ठीक है, तो उसमें अगर आप गर्म करेंगे तो पानी तो उड़ जाएगा लेकिन नमक है ना वो उतना ही रहेगा जितना पहले उसमें था, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये पल्प पहले 1 था, मान लीजिए पहले पल्प 1 kg था, आज कितना हो गया अभी 2 kg, क्या ऐसा पॉसिबल है पहले पल्प 1 kg था आज 2 kg, वो बढ़ थोड़ी ना जाएगा भाई, बढ़ेगा तो नहीं ना, वो रहेगा तो उतना ही, ये इतना जरूर है कि पानी उसमें से गायब हो गया लेकिन पल्प उतना ही रहेगा, तो देखो पहले पल्प 1 था आज 2 है तो बराबर होना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई तो इसको भी किससे 2 से, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा अभी 200 और ये कितना होगा 100, यानी अगर पहले ताजे फल 200 kg थे ना तो आज कितने होंगे भाई वो आधे हो जाएंगे, यानी सिर्फ 100 kg बचेंगे इतना उनका पानी उड़ जाने के बाद, तो इसने कहा कि पहले 1 kg थे, यानी पहले 1 kg थे 1 kg, तो अब बताओ कितने हो जाएंगे, तो आधे हो जाएंगे यानी कितने बच जाएंगे 2 kg, ये इसका आंसर आ जाएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा आप लोगों को पहले, इस पे क्लास ले रखे बेसिक क्लास में, इस पे मैंने सारी बातें बताई है, क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वहां पे। चलिए इस क्वेश्चन पर आइए भाई, ये क्या कह रहा है कि जनसंख्या कस्मों ए और बी 1:4 है, मतलब 2 कस्बे हैं ए और बी, उनमें जो ये है पॉपुलेशन, एक में ए है 1 है और एक में 4 है, ये रेशियो है, अगले 2 वर्षों के लिए ए की जनसंख्या में इंक्रीज होता है और बी में डिक्रीज होता है, तो 2 साल बाद उनकी आबादी बराबर हो जाती है, जनसंख्या में कितने परसेंट परिवर्तन किए, तो देखो जितना उसमें इंक्रीज होगा उतना इसमें डिक्रीज होगा, ये कह रहा है, तो बताओ इसमें जो चेंज हुआ था ना वो कितना हुआ था, तो मैंने क्या माना 1:1 है ये पॉपुलेशन 1, आप चाहो तो अक्स भी मान सकते हो, इसमें कुछ इंक्रीज हुआ होगा, यानी पहले 100 था तो उसमें कुछ इंक्रीज हो गया, यानी 100+r, 100+ में r मान लेता हूं, इतना इंक्रीज हो गया इसमें ठीक है, 100+r इंक्रीज हो गया, r मतलब ये कह रहा है कि कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, r प्रतिशत परिवर्तन आया होगा, यानी मान लीजिए 20% आता तो आप कहते 100 से 120 हो जाता, यानी 100 में ऐड कर दिया तो 100 से कितना हो गया 100+r, ये 2 सालों तक चला,
इसी तरीके से उसमें 4 था और उसमें डिक्रीज हो गया, यानी मान लीजिए कि मैं जैसे 20 कहता तो आप कहते 100 में से 20 घटा देते, यहाँ पे क्या करेंगे 100 में से आर है तो आर घटा दो, और ये भी 2 सालों तक चला और ये कंडीशन में क्या हो गए भाई, दोनों बराबर हो गए, ये साफ साफ इसने लिख रखा है। तो जैसे इसको आप ये अपॉन में जाएगा, मान लीजिए इधर वाला अपॉन में चला गया तो आर स्क्वायर ये 4/1 अनरूट होगा, तो यहाँ पे बनेगा 100+r और डिवाइड बाई 100-r, और ये कितना निकल कर आ जाएगा भाई, ये आएगा 2:1। अब आप यहाँ से आर की वैल्यू बता सकते हो बड़ा आसान सा है, ठीक है, तो जो भी आपका आता है आप मल्टीप्लाई कर लेना, वो आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर, यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए भाई ये क्वेश्चन देखिए जरा, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन ही है, सोल्व करें आप लोग इस क्वेश्चन को, कि क्या कह रहा है कि अनिल सुनील सुमन और महेंद्र एक ही कार्यालय में काम करते हैं, अनिल की सैलरी सुनील की सैलरी से 20% कम है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई इनकी जो बातें जो इन्होंने कह रखी हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शुरुआत में क्लास थी रेशियो मर्ज करने वाली, उसमें मैंने ये बताए थे कि रेशियो को किस तरीके से मर्ज किया जाता है, इस बात इन बातों पे मैंने डिस्कस किया था वहां पे, तो आप चाहो तो वो क्लास आप लोग देख सकते हो, वहां पे मैंने रेशियो मर्जिंग की सारी बातें वहां पे डिस्कस करी हैं। तो चलिए भी इसको देखते हैं, क्या कह रहा है कि यहाँ पे अनिल और सुनील दो लोगों में कंपैरिजन किया, एक तो अनिल में और एक सुनील में, सबसे पहला कंपैरिजन इन दोनों में है, सेकंड किस में अभी सुमन और अनिल में, सेकंड है यहाँ पे अनिल और सुनील, इसको कर दीजिए ठीक है, और ये सुमन और एक अनिल में, ठीक है, और बाद में एक और कंपैरिजन किस में किया भाई, ये किया महेंद्र और अनिल में, महेंद्र और अनिल में ये यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है। चलिए अब इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अनिल की सैलरी सुनील से 20% कम है, तो 20% का मतलब तो हमें पता है कि कितना होता है भाई 1/5, और 25% का मतलब होता है 1/4, सुनील अनिल की सैलरी सुनील से कम है, यानी अगर सुनील की सैलरी 20% 1/5, मतलब अगर सुनील की सैलरी यहां पे अगर मैं बात करूं उनकी, तो उसकी सैलरी अगर मान लीजिए 5 है तो इसकी उससे एक कम है, यानी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, सही कह रहा हूं। अब कह रहा है कि सुमन और अनिल, सुमन की सैलरी अनिल की सैलरी से 25% ज्यादा है, सुमन की सैलरी अनिल से 25% ज्यादा, 25% यानी 1/4, यानी अनिल की अगर 4 है तो सुमन की से एक ज्यादा, यानी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, सही बोल रहा हूँ। महेंद्र की सैलरी अनिल की सैलरी से 20% ज्यादा, महेंद्र की सैलरी अनिल से 20% ज्यादा, किससे अनिल से, 20% यानी 1/5, तो अनिल से ज्यादा है, मतलब अगर अनिल की 5 है तो महेंद्र की से एक ज्यादा, यानी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, सही कहने लग रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन के आंसर देने से पहले मैं बता दूं कि यहां पे देखो अनिल की सैलरी कितनी लिखी हुई है 4, यहां पे कितनी अभी 4, और यहां पे कितनी अभी 5, तो ये सैलरी हमेशा बराबर होनी चाहिए, इस किस में चेंज नहीं होगा, तो बराबर करिए भाई, अनिल की यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी किससे करो भाई 5 से, तो ये 20 हो गई, इसको कर दो 4 से। अब देखो देखे अनिल की हर जगह बराबर हुई कि नहीं हुई, तो इसको 4 से, तो ये रेशियो जो भी होते हैं ना उनको भी 4 से, यहां 5 से, तो इसको भी किससे 5 से, ठीक है, इसको भी 5 से, तो अब आप लोगों के पास में ये अनिल आ गया, ये सुनील आ गया, ठीक है, और ये सुमन, और ये आ गया आपके पास में महेंद्र, ये लोग आ गए आपके पास में सारे, ठीक है, तो अनिल की सैलरी कितनी आई भी 5 × 4 20 आ गई, और सुनील की कितनी आ गई 25 आ गई, और सुमन की कितनी आ गई, इसकी भी 25 आ गई, ठीक है, और यहाँ पे महेंद्र की कितने आ गई, ये आ गई 24 महेंद्र की आ गई। अब आप लोगों से ये सैलरी आ गई, तो क्या पूछ रहा है, अगर अनिल का वेतन 10,000 रुपए है तो बताओ कि 12,500 प्रति माह वेतन है, किसके पास है इतना वेतन, तो चलिए भाई इस 10,000 के बराबर इसने कितना दे रखा है, ये 20 के बराबर इसने दे रखा है 10,000, यानी अगर अनिल का वेतन 10,000 रुपए है तो 20 के बराबर 10,000 दे रखा, तो बताना 0 से 0 और 500 आ जाएगा 1 के बराबर, तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी भी 500, ये आ जाएगा 12,500, ठीक है, और ये भी कितना आ जाएगा 12,500, और इसका कितना आ जाएगा 500, यानी ये कितना आ जाएगा 120, यानी 12,000, सिर्फ 12,000। तो आपसे पूछा कि 12,500 किसकी सैलरी है, भाई यहाँ पे दो लोगों की सैलरी है 12,500, सुनील और सुमन की, ठीक है, दो लोगों की सैलरी 12,500। चलिए अगर सुमन को एक यहाँ पे इंक्रीज मिला है, जो उसका नया वेतन महेंद्र से 10% अधिक है, तो उसका नया मासिक वेतन क्या है, इसने कहा कि उसे एक इंक्रीमेंट मिला, जो नया वेतन है ना वो महेंद्र के वेतन से 10% अधिक है, तो बताओ इसका नया वेतन कितना है, तो आपके पास महेंद्र का वेतन कितना है अभी 12,000, तो इससे 10% अधिक, यानी कितना हो गया 11/10 इसका, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 132, 13,200 रुपए इसका नया वेतन है, महेंद्र से 10% ज्यादा है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बता सकते हैं,
कोई बड़ी कहानी नहीं, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले तो आप लोगों ने ये निकाले, इनके वेतन निकाले 10,000, 12,500, 12,500, फिर ये तो आप लोगों ने बता दिया 12,500 किसका है। फिर इसका क्वेश्चन था कि महेंद्र की तुलना में 10% अधिक है, यानी सुमन का कोई इंक्रीमेंट होता है जो कि महेंद्र से 10% ज्यादा है, तो महेंद्र का 12,000 था, इससे 10% ज्यादा यानी कितना होता है भाई, 11/10, 10% यानी 10 से 1 ज्यादा, तो 13,200 रुपए। अब कह रहा है कि बताओ तो उससे 10% ज्यादा तो उसका मासिक वेतन कितना है, तो कितना हो गया अभी 13,200। इसने लिखा कि पिछले पर्सन के जो डेटा है उन्हीं का यूज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये देखना क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के देश में प्रतिशत के स्थान पर एक नया शब्द टर्सनेज शुरू किया गया, जब प्रतिशत 100 है तो ये 125 है। भाई इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास ले रखी है परसेंटेज की, सबसे बेसिक क्लास और सबसे पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है कि जरूरी नहीं है, जैसे आप लोग परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि किसी एक वैल्यू को 100 मान लेना, मतलब अपनी मर्जी से उसे 100 अज्यूम कर देना। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस पेन का आधा पार्ट मुझे चाहिए, तो आधा का मतलब है कि आप इसे पूरा 100% मान लीजिए, और इसका आधा हो जाएगा इसका 50%, ठीक है, यानी इसको मैंने 100% मान लिया किसी चीज को पहले, और उस 100% मानकर फिर मैं उससे कंपैरिजन करता हूं। इसी तरीके से हो सकता है कि आप किसी चीज को 125 मान लो, मतलब एक ये मान लो मैं कि ये पूरी की पूरी पेन है ना, ये 125 है, ठीक है, उसमें परसेंट में मैं क्या मानता हूं, परसेंट में मैं मान लेता हूं 100 किसी चीज को, और अब मैं मान लेता हूं कि ये 125 है, तो इसका आधा बताओ, तो बात तो वही है ना, आप इसको 200 भी मान सकते हो पेन को, तो वो बात मैंने वो क्लास ले रखी है आप लोगों की, बेसिक परसेंटेज में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर किए हैं, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर देखें, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखना भाई ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 5% जुड़वा होता है, मतलब कोई 5% जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे होते हैं उनमें से 5% जुड़वा है, तो पैदा हुए कुल बच्चों में से जुड़वा का प्रतिशत कितना है, तो ये तो बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा समझो इसको। 5% का मतलब होता है अभी 120, यानी अगर यहां पे टोटल 20 बच्चे हैं ना, देखना इधर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझिए कि ये तो जुड़वा हो गए यहां पे, ठीक है, ट्विंस, ठीक है, ये ट्विंस हो गए, और ये विदाउट ट्विंस आप कुछ भी मान सकते हो जो कि जुड़वा नहीं है, ठीक है, ऐसे में खाली छोड़ देता हूँ, जुड़वा नहीं है, यानी अगर यहां पे टोटल 20 बच्चे हैं ना, उनमें से एक तो जुड़वा है, ये टोटल हो गया, ठीक है, ये टोटल 20 हो गए, एक जुड़वा है और 19 जुड़वा नहीं है, एक का मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पे 5% जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, यानी एक बार जब पैदा होंगे तो वो क्या होंगे भाई, जुड़वा, और 19 बार क्या होंगे भाई, जुड़वा पैदा नहीं होंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5% जुड़वा बच्चे हैं, यानी आप इसको ऐसे ना करके ऐसा करोगे तो आप लोगों के लिए और बेहतर रहेगा, कि इसको 100 मान के करोगे ना तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। देखो मैं करता क्या हूं, इस 5% मैं टोटल ये 100 ही मान लेता हूं, यानी ये तो ट्विंस हो गए और ये विदाउट ट्विंस हो गए और ये टोटल हो गए, ठीक है, मान लिए कि वहां पे टोटल 100 यहाँ पे जो है बच्चे पैदा हुए, मतलब ऐसे नहीं कहेंगे हम कि 100 बच्चे पैदा हुए, मतलब ये जो प्रसव है ना ये 100 बच्चों का हुआ, ठीक है, तो उसमें से बोल रहा है कि 5 है ना वो ट्विंस है, यानी 95 है वो ट्विंस पैदा नहीं होते, यानी 95 ट्विन्स पैदा नहीं होते, 5 है वो ट्विन्स पैदा होते हैं, तो बोल रहा है कि ट्विन्स का प्रतिशत कितना है। अब यहां पे टोटल बच्चे 100 नहीं है, ठीक है, टोटल बच्चे 100 नहीं है, टोटल बच्चे कितने हो गए अभी, ट्विन्स 5 है, मतलब यहां पे 5 बार जब जन्म हुआ ना तो ट्विन्स बच्चों का हुआ, यानी यहां पे दो दो थे तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, और ये कितने हो गए 95, यानी अभी यहां पे जो टोटल है ना वो 105 है। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा सा इसको समझना था कि जो ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि वहां पे ट्विंस जो है उसका मतलब वहां पे एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, एक साथ में दो बच्चे पैदा हुए हैं, तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये तो खैर आसान सा क्वेश्चन था, तो जुड़वाओं का प्रतिशत कितना है, तो अभी टोटल 105 है उसमें से 10 जुड़वा है, ठीक है, 105 में से परसेंट है तो इंटू 100 लगा लीजिए, ये परसेंट क्या हो गया अभी जुड़वा हो गए। आप ऐसे मत कह देना कि 5% जुड़वा बच्चे हैं, नहीं वो गलत हो जाएगा, इसने कहा कि जुड़वा का प्रतिशत कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे अभी, जुड़वा मतलब वो एक, अगर एक जन्म हुआ है ना तो एक नहीं, वहां पे बच्चे दो हैं उसको आप काउंट करिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक ये क्वेश्चन देखना भाई, एक व्यक्ति पहले 4,500 रुपए अर्जित पर 20% कर देना पड़ता है, 4,500 रुपए से 7,500 रुपए के बीच अर्जित राशि के लिए 25%, और
7500 से अधिक की अर्जित के लिए 30% उसको कर देना पड़ता है। और उसने टोटल इनकम थी उसका क्या दिया भाई, 23.33% उसने कर दिया, मतलब उसने टैक्स दिया, तो उसकी इनकम कितनी है भाई। ये जो टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, मैंने इसकी एक बेहतरीन सी क्लास ले रखी है और मैंने टैक्स से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के डिस्कस किए हैं। जितने भी क्वेश्चन है टैक्स से रिलेटेड वो सारे डिस्कस किए हैं। वो क्लास उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग देखिए उसको, बहुत अच्छी क्लास है। टैक्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। और भाई इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें कि उसकी इनकम कितनी थी, ठीक है। तो भाई ये आप लोगों के क्वेश्चन थे, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। और भाई आप लोग अगर आप PDF वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं PDF और डेली क्वेश्चंस वगैरह भेजता रहता हूँ, तो वहां पे, और आपका अगर कोई डाउट है तो भी आप वहां पे भेज सकते हैं, आपको वहां से सारी चीजें डाउट्स के आंसर मिलते रहेंगे, ठीक है। और भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।